सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माय हैप्पी गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप लोग पौधे लगा सकते हो कटिंग्स से। काफ़ी इजीली ये कटिंग्स लग जाती हैं। अप्रैल के महीने में आप बहुत ईजिली कटिंग से इन पौधों को प्रोपेगेट कर सकते हो। जैसा कि अब कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, सेकेंड वेव चल रही है कोविड की, तो कहीं कहीं पर लॉकडाउन भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारे पास अब शायद पॉसिबिलिटी नहीं बचे कुछ दिन तक कि हम लोग स्पेशली जहाँ पे कर्फ्यूज़ लग रहे हैं, जहाँ पे लॉकडाउन्स हो रहे हैं, कि हम लोग नर्सरी जा पाएँ या कुछ पौधे नए लेके आ पाएँ। तो हम फिर भी गार्डनिंग में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें जिससे हम कुछ एक न्यूनेस बना के रखें, नई चीज़ें हमारे गार्डन में होती रहें। तो उसी से रिलेटेड आज वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो बहुत ईजिली कटिंग से चल जाते हैं। अगर आप एक न्यू गार्डनर हैं तो अपने आस पड़ोस से भी आप कटिंग अरेंज करके इनको लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूंगी कि अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मिल जाएगा। मैं गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो कहीं पे भी अच्छा लगे थोड़ा सा भी, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, और अपने विचार आप मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से पौधे अभी कटिंग से लगाए थे, कितनी कटिंग्स चल गई हैं, और रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कितना टाइम इन कटिंग्स को चलने में लगता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और उससे पहले यहाँ पे छोटी सी अपडेट दिखा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखो, हमारे आपको पता है कि ये मेरे पास एक रोज़ का प्लांट है, देसी गुलाब, जिसमें कि बडिंग हो रही है, आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे तो इसकी ग्राफ्ट से, ये भी देखो एक बड है बड़ी प्यारी सी, इसकी ग्राफ्ट से एक नया पौधा निकला है जो कि जिसे हम जंगली गुलाब कह देते हैं। तो ये आप देखोगे इसकी ग्राफ्टिंग के नीचे से ये निकला हुआ है और ये शूट हो गई है काफ़ी लंबी। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो फूल लगते हैं ये थोड़ा डार्क कलर के लगते हैं, लेकिन ये जो फ्लावर्स यहाँ पे लग रहे हैं ये पिंक कलर के लग रहे हैं और गुच्छों में लग रहे हैं। अभी तक इस तरीके से गुच्छे में फ्लावर नहीं आए थे, और ये बिल्कुल इसके नीचे घुसा हुआ था ये, तो मैंने यहाँ से इसको निकाला। और फिर अब ये जैसे कि धूप तो आज नहीं है, बट जैसे मैंने इसको निकाला तो थोड़ा सा ये खिल भी गया, बिल्कुल कली सी थी। तो कलर वेरिएशन भी यहाँ देखने को मिल रही है मुझे, और काफ़ी सुंदर ये देखने में लग रहा है। तो चलिए मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम। ये देखो यहाँ पर भी एक बड है ऊपर की तरफ को। तो सबसे पहले तो आएगा स्नेक प्लांट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स है एज अ एयर प्यूरीफायर। इसे आप बहुत जल्दी कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने स्नेक प्लांट दिखाती हूँ। तो ये देखो आप कितने सारे स्नेक प्लांट हैं यहाँ पर लगे हुए। सेंसेवेरिया कहते हैं इसको, मदन लॉस टंग कहते हैं, जिसमें फ्लावरिंग हो रही थी पिछले टाइम मैंने आपको दिखाया था। कितने सारे इसमें पप्स निकल आए हैं छोटे छोटे, एक सिर्फ पौधा मैंने लगाया था, शायद यही हो क्योंकि इसमें फ्लावरिंग हो रही है। अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने सबसे पहले कौन सा लगाया था। एक पौधा मैंने सिर्फ एक गमले में लगाया था, उससे इतनी सारी ये प्रोपेगेशन हुई है इसकी, और ये विद इन वन एंड हाफ ईयर्स है कि ये इतना मल्टीप्लाई हो गया है। ये इसका ग्रोथ पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम अगर आप कोई कटिंग वटिंग लगाएंगे तो बहुत जल्दी प्रोपेगेट हो जाएगी। इनफैक्ट फिर भी थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, तो उससे भी जल्दी ये है कि आप इसको वाटर में प्रोपेगेट कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसकी लीव को यहाँ से कट करना है और वाटर में डिप कर देना है, बस आप बहुत जल्दी इसमें रूट्स आ जाएंगे और आप उससे भी प्रोपेगेट कर सकते हो। और या फिर ये छोटे छोटे पप्स निकल रहे हैं जो, इनसे भी प्रोपेगेट कर सकते हो। बेस्ट एयर प्योरीफायर्स में से एक है। तो ये देखो कितने सारे पौधे इसमें तैयार हो गए हैं। ये सब कटिंग से लगाए हुए हैं इसलिए ये इतने अच्छे पौधे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे कुछ मुझे जाले वगैरह भी दिख रहे हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, ये सब प्लांट्स के साथ चलता ही रहता है। और भी मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस बैग में भी देखो ये कटिंग्स, ये देखो कटिंग भी अभी आपको दिख रही होगी, और यहाँ से ये न्यू प्लांट निकल आया है इसका, और अगेन ये न्यू शूट्स हैं इसकी। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखो, ये कटिंग्स मैंने शायद रेनी सीज़न में लगाई थी, और अब जाके ये यहाँ पे निकल रहे हैं पप्स इसके, ये और ये हैं। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मैं वीडियो को धीरे धीरे ही चलाने की कोशिश करूँगी, शूट करने की कोशिश करूँगी ताकि आपको दिख पाए। तो ये देखो, ये काफ़ी ऑलमोस्ट 6 महीने से ये इसमें लगी हुई थी, अब जाके लेकिन इसमें
बर्ड्स निकले, तो बर्ड्स नहीं मतलब इसके पप्स निकले, तो ये भी अब नए पौधे तैयार हो गए। तो जब तक ये छोटे रहें आप इसको छोटे पॉट में रख सकते हैं, उसके बाद आप इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये अपने पप्स डेवलप करता जाएगा। उसके बाद आप लगा सकते हैं ये फाइकस, फाइकस भी काफ़ी ईजिली कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है, तो आप इसको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। 20 से 25 दिन लग सकते हैं आपकी फाइकस की कटिंग को प्रोपोगेट होने में, बट आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपने हिबिस्कस की। हिबिस्कस को भी आप काफ़ी अच्छा कटिंग से लगा सकते हैं, ये इसका ग्रोथ पीरियड है। जब मैंने इसको लास्ट टाइम प्रून किया था तो मैंने इसकी काफ़ी सारी कटिंग्स इसके आसपास ही लगा दी थी, तो अभी मुझे इसमें फ़िलहाल तो कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे पहले मैंने जो कटिंग्स बरसात के सीज़न में लगाई थी तो वो अब काफ़ी बड़ी हो गई है। ये एक छोटे से कंटेनर में देखोगे आप लगी हुई है कटिंग, तो ये देखो ये कितनी अच्छी चल रही है। अभी मैंने इसको भी जब इसकी एक्सेस लीव्स मैंने सर्दियों में निकाल दी थी, तो अब ये इतना अच्छा बढ़ गया है जैसे कि आप देख सकते हो। होपफुली इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ये है प्लांट पर्पल हार्ट का, जिसमें बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हो बहुत इजीली प्रोपेगेट हो जाता है कटिंग से। आप इसकी नोड एरिया से इसको यहाँ से कट कीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए। ये नोड एरिया है देखो, जहाँ से न्यू शूट्स और न्यू लीव्स आती हैं, तो यहाँ से कट करके आप इसको मिट्टी में डाल दीजिए। यहीं से ये रूट्स ले लेगा और फिर ये बहुत जल्दी प्रोपेगेट हो जाता है। एक हफ्ते के अंदर आपको इसमें नई ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप वांडरिंग जू लगा सकते हो। वांडरिंग जू की कटिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पर मैंने हैंग कर दिया है इसको, काफ़ी अच्छा ये चल रहा है अब, ये आप देख पाओगे। तो मैंने भी इसको इस तरीके से लगा दिया क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये काफ़ी अच्छा बढ़ गया है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने ही मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रोथ ले ली इसने, और ये भी आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो ये भी आप काफ़ी ईजिली लगा सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग भी बहुत ईजिली प्रोपेगेट हो जाती है इसकी, तो इसे भी आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हो। उसके बाद हम चले आगे, तो ये है हमारा एरोहेड, जिसको आप बहुत इजीली कटिंग से लगा सकते हो विद इन अ वीक। इनफैक्ट पानी में भी इसको आप प्रोपेगेट कर सकते हो, विद इन अ वीक आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप कोलियस लगा सकते हो, कोलियस भी कटिंग से काफ़ी अच्छा लग जाता है। इनफैक्ट कटिंग से अगर आप लगाएंगे तो ये काफ़ी जल्दी प्रोपेगेट हो जाएगा, और आप इसको पानी में भी प्रोपेगेट कर सकते हो। ये आप देखो मैंने इसकी कटिंग की थी और ये नई नई शूट्स इसकी निकल आई और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है। इसके बाद आप मैरीगोल्ड्स को भी कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैंने लास्ट दिनों में कटिंग से प्रोपेगेट किए थे जो, वो आप लोगों से शेयर किए थे, और इसमें ही काफ़ी अच्छे प्लांट हमारे फ्लावर्स लगे थे और अभी भी इसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर्स लग रहे हैं। तो अगर आपके मैरीगोल्ड्स हैं तो मैरीगोल्ड्स भी आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हो। सो उसके बाद चलिए हम इस कॉर्नर पर चलते हैं और हम बात करते हैं अपने ये वॉन्डिंग जो, तो मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की। ये भी आप देखोगे कि मैंने कटिंग से लगाया था और बहुत अच्छा चल रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। छोटे से 5 इंच के प्लांटर में लगा है और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो, ये न्यू लीव्स हैं जो ऊपर की तरफ आई हैं, और इसे भी आप कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हो। इसका मदर प्लांट जो है वो ये है, इसमें से मैंने दो कटिंग्स लगाई थी, बट एक दोनों ही चल गई थी, लेकिन सर्वाइव एक ही कर पाई, बाद में एक सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन आप कटिंग से बहुत इजीली इसको प्रोपेगेट कर सकते हो, विद इन अ फ्यू डेज आपको इसमें न्यू ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तो उसके बाद आप लगा सकते हैं जेड प्लांट, जेड भी कटिंग से काफ़ी अच्छा प्रोपेगेट हो जाता है। ये सारा मैंने कटिंग से ही प्रोपेगेट किया हुआ है और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है, काफ़ी दिनों तक आपके गार्डन में बना रहेगा और काफ़ी इजीली आप इसे मेंटेन भी कर सकते हो। फुल सनलाइट में रहने वाला ये पौधा है और मिनिमम एफर्ट में ये चल जाता है, तो इसे भी आप ज़रूर से कटिंग से प्रोपेगेट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कड़ी पत्ते की। कड़ी पत्ते का प्लांट भी आप इजीली प्रोपेगेट कर सकते हो कटिंग से। आप इसको पानी में भी इसकी कटिंग्स को प्रोपेगेट कर सकते हो और आपको सीड से भी प्रोपेगेट कर सकते हो अगर आप सीड्स अरेंज कर पाएं, लेकिन ये बहुत इजीली चल जाता है। और आपको लेस मेंटेनेंस प्लांट अगर कोई चाहिए तो आप कड़ी पत्ता लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और उसके बाद हम बात कर सकते हैं टर्टल वाइन की। जैसा कि आप देखोगे वो सामने मेरे टर्टल वाइन लगी है और ये मैंने छोटी सी 2-3 कटिंग्स कहीं से ली थी और उसके बाद मैंने इनको प्रोपेगेट किया और ये
इनका ग्रोथ पीरियड चल रहा है तो इसको भी आप काफ़ी इजीली प्रोपेगेट कर सकते हो। देखो इसकी कितनी लंबी लंबी शूट्स हो गई हैं, और अभी मैंने जैसे इसको पॉट के ऊपर रखा हुआ है तो इसकी शूट्स निकल निकल के यहाँ पे देखो ये ज़मीन के अंदर जा रही हैं। तो ये टर्टल वाइन है जो कि समर्स में बहुत थ्राइव करती है, तो आप इसको बहुत ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हो। छोटी सी कटिंग लेनी होती है इसकी, और आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो। अगर आपने मेरा हैंगिंग बास्केट वाला वीडियो नहीं देखा होगा कि कौन से प्लांट्स आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हो, तो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और उसके बाद हम चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए ये भी हमारी टर्टल वाइन है जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है। देखो कितनी लंबी लंबी इसकी शूट्स हो गई हैं। आपको बस इसे एक बार अपने गार्डन में लगाना है, उसके बाद बस आप भूल जाइए लगा के, तो ये इतनी थ्राइव कर लेगी। उसके बाद हमारी पॉटुला का है जो कि काफ़ी सारी मैंने इस तरफ लगा दी है। थोड़ा सा मेस दिखेगा आपको, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़े क्लीनिंग भी कर रही थी यहाँ पे। मैंने आज इसकी डिगिंग वगैरह की है अपने प्लांट्स की, क्योंकि आज मौसम अच्छा है। चलिए एक बार आपको मौसम दिखा देती हूँ। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, क्लाउड्स हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है, और शायद बारिश भी हो सकती है, बट बारिश हुई नहीं है। और वहाँ पे कुछ मिट्टी तैयार कर रही थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बट हम पहले अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। तो ये पॉटुला का है जिसे आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा शेड है, और रेड और पिंक के बीच का शेड है, ये ऑरेंज पिंक के बीच का शेड है, बहुत अच्छा लगता है। अभी धूप नहीं है आज, तो कोई पॉटुला का खिली नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टोमेटो के प्लांट पे फ्लावर्स खिले हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वाइट कलर की हमारी देखो ये खिल गई है, पॉटुला का खिल रही है। उसके बाद ये हमारे को एक भंवरा आपको दिखेगा यहाँ पे, देखो भंवरा जनरली दिखता नहीं है, लेकिन आई होप आपको दिख रहा होगा। अरे ये उड़ गया, देखो उस तरफ, ये अमरूद के उस पर जाके बैठा है। ये देखो अमरूद का फूल खिला है ना, जो उस पर बैठ रहा है ये, और होपफुली ये उसे पॉलिनेट कर देगा। शायद मैं आपको पास से दिखा पाऊँ, दिख रहा होगा आपको, ये मंडराता हुआ। जनरली भंवरे कम दिखते हैं, उई वाह हनी सॉरी हनी बीज दिख जाती है, लेकिन ये थोड़ा कम दिखता है। तो चलिए इसको छोड़ते हैं इसका काम करने पे, और हम बात कर रहे थे कि किन पौधों को आप कटिंग से बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप कैक्टस कर सकते हैं, कैक्टस भी कटिंग से काफ़ी इजीली लग जाता है, बस आपको इसको पानी का ध्यान रखना है। मॉइस्चर बना के रखें हल्का सा, लेकिन ओवर वाटरिंग ना करें, बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो हमारा कैक्टस है काफ़ी पुराना लगा हुआ है, देखो इसका स्टॉक कितना बड़ा हो गया, काफ़ी मोटा इसका स्टॉक हो गया, और काफ़ी अच्छा ये थ्राइव करता है। अभी पिछले दिन उसमें फ्लावरिंग थी, और अभी जल्दी इसमें इसकी लीव्स भी निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, देखो अगर आप एजेस पे ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा भी आप बहुत इजीली प्रोपेगेट कर सकते हैं, वो पीछे की तरफ मैंने रखा हुआ है। एक्चुअली धूप में पड़ा रहता है तो थोड़ा सा ये डी कलर आपको लगेगा, लेकिन काफ़ी इजीली ये प्रोपेगेट हो जाता है। इसके भी बहुत सारे पप्स एक ही जगह से निकलते रहते हैं, छोटे छोटे, उनको आप बहुत ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और एक मैं यहाँ पर भूल गई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा मिंट, जैसे भी आप कटिंग से बहुत ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हो। ये देखो थोड़े दिन पहले हमने इसकी हार्वेस्टिंग की थी, और ये फिर से प्रोपेगेट हो रहा है। छोटी छोटी इसमें नई नई शूट्स आपको दिख रही है। ये हमारा मदर प्लांट है, और इसी से हमने कटिंग करके और भी प्लांट्स लगाए हैं, जो कि अगेन मैंने छोटे से पॉट में लगाया था, तो वो भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप मिंट को भी प्रोपेगेट कर सकते हो। उसके बाद मैरीगोल्ड भी कटिंग से काफ़ी इजीली प्रोपेगेट हो जाते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जैसे कि आपको ये सक्कर निकलते हुए दिख रहे हैं, तो आप इनको कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हो, या फिर आप ऊपर से अगर इसकी पिंचिंग करते हो तो आप यहाँ से इसको काटो। ये देखो यहाँ से आप इसको काटो, नोड एरिया से, नोड एरिया के थोड़ा सा नीचे से, ताकि यहाँ से नोड एरिया से अपनी रूट्स निकाले और प्रोपेगेट हो जाए। तो इसे भी आप काफ़ी ईजिली प्रोपेगेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, और जल्दी ही मिलूंगी नए वीडियो में। वहाँ पे एक मॉर्निंग ग्लोरी का फूल खिला है, और वहाँ पे भी एक मॉर्निंग ग्लोरी का फूल खिला है, तो जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। ये देखो हमारी कैप्सिकम, यहाँ पे हमारी लग रही हैं कैप्सिकम्स, ये देखा आपने, और यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी कैप्सिकम लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो कि कौन से प्लांट्स आप कटिंग से प्रोपेगेट कर सकते हैं, स्पेशली आज के सिनारियों में जहाँ पे जगह जगह लॉकडाउन्स लग रहे हैं, कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। तो गार्डन में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो कटिंग्स को प्रोपेगेट कीजिए, और फ्री में आपकी कटिंग्स प्रोपेगेट हो जाएंगी, और आपको ज़्यादा एक्सपेंसिस भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए ये दिखा देती हूँ, मिट्टी तैयार कर रही थी यहाँ पे मिट्टी, ये काफ़ी मैंने पॉट्स खाली कर दिए थे, और काफ़ी दिनों से ये मिट्टी यहाँ पर पड़ी है, जिसको मैं थोड़ा धूप भी दिखा रही थी, और थोड़ा ये स्टेरलाइज हो रही थी मिट्टी। अब मैंने इसमें गोबर की खाद को ऐड किया है, बाकी दो चार चीज़ें और मैं इसमें ऐड करूँगी,
उसके बाद ये हमारी तैयार हो जाएगी और फिर हम अपने इनको फिल कर देंगे ताकि हमारे जो समर के प्लांट्स सब रेडी हो रहे हैं फ्लावर्स वाले, वो फिर हम इनमें लगा सकें। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप गार्डनिंग। देखो।